The smallest continent lies between 10 degrees south and 40 degrees south latitudes and 114 degree east and 154 degree east longitudes approximately. ये इसकी लोकेशन है. देन ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय सी एंड ओशियंस. अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, सारी ही साइड से ओशियन और सी से क्या है, बाउंड है, सराउंड करती है सारी साइड से. इट इज दस कॉमनली नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट. और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. नाउ लुक एट दिस मैप अगेन. अब मैं आपको बता रही हूँ दिस इज ऑस्ट्रेलिया. और सिंस इसकी सारी ही तरफ क्या है, ओशियंस और सीज हैं, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. समझ में आया तो थम्स अप. वेरी गुड. बहुत समझदार हो गए हैं बच्चे, सब समझ में आ जाता है एक ही बार में, है ना. ओके, द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अंटार्कटिका. इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अब अंटार्कटिका कौन सा है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और इसे नो मेन्स कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे कोई भी ह्यूमन बींग नहीं रहता है. ये कंप्लीटली किससे कवर्ड है, आइस से. ठीक है, यस, आइस, बर्फ से. यहाँ पे एक भी ह्यूमन बींग नहीं रहता है. So it is the fifth largest continent in the world. It lies in the extreme end of the southern hemisphere, with the south pole almost at the center of it. Antarctica is permanently covered with thick ice. अब ये किससे covered है, thick ice से covered है. Thus called the frozen continent. इसीलिए इसे frozen continent भी कहते हैं. और द व्हाइट कॉन्टिनेंट, और इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. तो क्या क्या कहते हैं अंटार्कटिका को, फ्रोजन कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट एंड नो मेन्स कॉन्टिनेंट. ठीक है, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर पीपल डू नॉट लिव ऑन अ परमानेंट बेसिस. जहां पे कोई भी नहीं रहता है परमानेंट बेसिस पे, किसी का घर नहीं है वहां पे. ठीक है, many countries have set up their research stations in Antarctica. बहुत सारी ऐसी countries हैं जिन्होंने अपने research stations वहाँ पे set up किए हैं ताकि वो वहाँ पे research कर सकें. India also has three research stations there. अब India के भी three research stations हैं वहाँ पे, namely दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती. ये तीन उन्होंने क्या किए, research center वहाँ पे set up किए हैं. ठीक है, समझ में आया, देन थम्स अप. ओके, वेरी गुड. ओके नाउ, अब ये तो सब क्या थे, लिथोस्फीयर के पार्ट थे. हमने कॉन्टिनेंट क्या है, लिथोस्फीयर ही है जिसपे हम रहते हैं, राइट. तो ये लिथोस्फीयर हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो क्यों जरूरी है. सबसे पहले तो भैया हमें फ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, हम उसी लैंड पे रहते हैं, उसी लैंड के सॉइल पर हम प्लांट्स और एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं. तो भैया इसलिए भी हमें जरूरी है ना, राइट. नेक्स्ट लेट अस रीड इम्पोर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज अ of a great importance to us. It consists of variety of rocks and minerals which are used in construction, in industries and as fuels. अब इसमें क्या है, लिथोस्फीयर में बहुत सारी रॉक्स और मिनरल्स होती हैं, सबसे पहली बात है ना. और इन रॉक्स से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट. और कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये मिनरल्स इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, फ्यूल्स की तरह भी हम उन्हें यूज करते हैं, जैसे कि कोल, राइट. कोल इज ऑल्सो अ फ्यूल. सो नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अस विद लैंड दैट इज पुट टू वेरियस यूज. अब हमें लैंड, लिथोस्फीयर क्या करता है, लैंड प्रोवाइड करता है. उस लैंड का हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे यूजेस करते हैं उस लैंड से, जैसे हम हमारा घर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स और एग्रीकल्चर, जितनी भी चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, लैंड पे करते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं, राइट. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अस विद सॉइल
द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब लैंड हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करता है, दैट इज सॉइल. अब सॉइल क्यों जरूरी है? हमारे तो काम नहीं आता है. किसके काम में आता है? एग्रीकल्चर के. ठीक है, एग्रीकल्चर के, विच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर. Now the next that we are going to study is hydrosphere. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? Lithosphere. Lithosphere means land. अब हम पढ़ रहे हैं hydrosphere. Hydrosphere means water. ठीक है? So all the water bodies on the earth's surface, such as oceans, seas, rivers, and lakes, together make up the hydrosphere. अब आपसे अगर question किया जाए कि hydrosphere मतलब क्या होता है? Water. मैम ने बताया था हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर होता है, लेकिन वाटर में कौन सा वाटर? वाटर तो सब जगह होता है, तो वाटर कौन कौन से वाटर वाटर बॉडीज इसमें इंक्लूड होगी? ओशियन, सी, रिवर एंड लेक. ठीक है, इन सभी का जो वाटर है वो सब हाइड्रोस्फीयर में हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन. अब हाइड्रोस्फीयर में और क्या चीज इंक्लूड होती है? तो आइस शीट्स, जो बर्फ हम हिली एरियाज पे जाते हैं तो सब तरफ आइस शीट्स आपने देखी होगी, देखी है ना माउंटेन रीजन पर, तो उन सभी आइस शीट्स को भी हम किसमें कंसिडर करेंगे? हाइड्रोस्फीयर में. देन अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर भी हाइड्रोस्फीयर है, जिसको हम ट्यूबवेल्स की हेल्प से निकालते हैं या हैंडपंप्स की हेल्प से निकालते हैं, राइट? ये भी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया जाएगा. देन वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपर जो एयर में होती है वो भी हाइड्रोस्फीयर ही कहलाएगी. इनफैक्ट आवर अर्थ इज ऑफन रेफर्ड एज अ वाटरी प्लैनेट, और ऑफनली हम क्या कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो वाटरी प्लैनेट है, क्योंकि वाटर ज्यादा है और कॉन्टिनेंट या पीस ऑफ लैंड कम है. ठीक है, सो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट एंड ऑल्सो अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम क्या बोलते हैं? वाटरी प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट. दिस इज बिकॉज 71% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. नो वाटर और अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, हेंस द नेम ब्लू प्लैनेट. ओके, जैसा मैंने आपको ऊपर कहा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, रीजन क्या है मैम? तो रीजन ये है बच्चों कि अर्थ को जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ कैसी अपीयर होती है, कौन सा कलर अपीयर होता है? ब्लू. ये जो फोटोग्राफ आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट, इसमें अर्थ कौन से कलर की दिखाई दे रही है? ब्लू कलर की. तो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट और 71% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ठीक है, समझ में आया? देन थम्स अप. ओके, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओशियंस. अब कितने ओशियंस हैं किसी को पता है? देयर आर फोर ओशियंस हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन, साइज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर साइज सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन. देन अटलांटिक ओशियन, नेक्स्ट इज इंडियन ओशियन एंड द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशियन. नाउ लेट अस नो लर्न अबाउट द डिफरेंट ओशियंस. अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं. इट इज द फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशियन, सबसे लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन है. इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ओशियन. इट और इट्स एरिया इज इवन मोर देन कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स. अब सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के एरिया को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, उसके बराबर है पैसिफिक ओशियन. इतना बड़ा है, राइट, मोर देन 29% क्या है? पैसिफिक ओशियन है. इट इज ऑल्सो कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट. इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशियन. अब सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन. सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन. याद रखना, ये जनरल नॉलेज की चीज है, ठीक है, इसमें जीके भी आ गया है.
मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। अब मैरियाना ट्रेंच क्या है? एक ऐसी प्लेस है जो सबसे ज्यादा डीप है। लाइकवाइज लेट मी ड्रॉ पिक्चर फॉर यू। जैसे कि यहाँ पे वॉटर है, राइट? ये वॉटर सरफेस है। अब वॉटर सरफेस के नीचे कहीं तो लैंड होगा, राइट? कहीं तो पानी होगा, है ना? सॉरी, कहीं तो लैंड की सरफेस होगी, जमीन होगी। तो इट्स लाइक दिस, और ऐसी ये अर्थ की सरफेस है और ऊपर क्या है? पानी है। ठीक है, ये सब पानी है दिस। सो ऐसा एक डीपेस्ट पॉइंट है, कहां पर है? पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच। गॉट इट? दिस ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये कौन सा? ये जो ओशन है इसका शेप कैसा है? सर्क्यूलर शेप है। इट इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट। अब ये जो ओशन है ये कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ईस्ट साइड में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया किस साइड में है? वेस्ट साइड में है। In the north, it is joined to the Arctic Ocean through the narrow Bering Strait. अब इसके north में क्या है? इसके north direction में, ऊपर के direction में Arctic Ocean है, और Arctic Ocean को इन्होंने कैसे join कर रखा है? ओके, आर्कटिक ओशन जॉइन है बेरिंग स्ट्रीट, एक नैरो स्ट्रीट है उससे जॉइन है। इन द साउथ इट मर्जेस विद द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। और साउथ में क्या है? अटलांटिक और इंडियन ओशन है। अब मैं आपको पिक्चर बता रही हूँ, इसमें देखना, ठीक है? अब हम वापस में ओपन किया है हमने, और पैसिफिक ओशन कहाँ है? Here, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, राइट? दिस वन एंड दिस वन, ये पूरा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ये तो कॉन्टिनेंट्स भी आ गए दिस, ठीक है? ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन क्या है? दो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्टेड है, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया भी कनेक्टेड है, हमने यही पढ़ा है, राइट? तो इस तरीके से ये सारे जॉइन हैं एक दूसरे से। नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट अटलांटिक ओशियन। वेयर इज अटलांटिक ओशियन? हियर दिस, ठीक है? It is the second largest ocean in the world. Its shape is like alphabet S. अब ये जो Atlantic Ocean है, इसका जो shape है, वो S की तरह है. Now look at the your screen. मैं S draw कर रही हूँ. This is S. ठीक है? तो एक S alphabet की तरह है. ये जो ocean है, ये क्या है? एक S की तरह है. Alphabet S की तरह. Continent ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बॉर्डर दिस ओशियन इन द वेस्ट। अब वेस्ट, ये वेस्ट साइड है, वेस्ट में क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है? एंड वाइल यूरोप एंड अफ्रीका मेक्स अप द ईस्टर्न बाउंड्री। अब यूरोप एंड अफ्रीका, दिस इज यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका, ये इसके वेस्ट साइड में इसकी बॉर्डर है, सॉरी ईस्ट साइड में, ईस्टर्न बाउंड्री में है। देन इन द नॉर्थ इट स्ट्रेचेस अप टू आर्कटिक सर्कल एंड इन द साउथ इट मर्जेस विद द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। अब ये इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन जो बोलते हैं, या आर्कटिक, ये इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन जो है, एक्चुअली इसे ओशियन कंसिडर नहीं किया जाता है, इसीलिए हम सिर्फ फोर ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है। सो इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन से जाकर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ऊपर क्या होता है, पैसिफिक ओशन, सॉरी पैसिफिक ओशन हियर एंड आर्कटिक ओशन से क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये एक एस अल्फाबेट यहाँ पे ड्रॉ होती है, ठीक है। इन द नॉर्थ, सॉरी द कोस्ट अलोंग द आर्कटिक अटलांटिक ओशन इज वेरी इरेगुलर, दे प्रोवाइड एक्सीलेंट लोकेशन फॉर पोर्ट एंड हार्बर्स। द अटलांटिक इज द बिजिएस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक। अब अटलांटिक ओशन क्या है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है। अब बिजिएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बिजी हो, है ना, बिजी हो। अब बिजी कैसे होगा मैम, ओशंस बिजी कैसे होते हैं, किसी को पता है ओशन बिजी कैसे हो सकता है, काम करता है क्या, नहीं काम तो नहीं करता है। ओके सो बिजी इन द सेंस कि यहाँ पे इसी ओशंस के थ्रू ट्रेडिंग की जाती है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ओके वेरी गुड, आपको पता है। तो नाउ लेट मी टेल यू, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर कोई सामान भेजना है या मंगवाना है तो वो कौन से ओशन के थ्रू जाता है, अटलांटिक ओशन के थ्रू, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कंसिडर किया जाता है, बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इंडियन ओशन, दिस ये इंडियन ओशन, ठीक है। इट इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ये इकलौता ऐसा ओशियन है जिसे एक कंट्री के नाम पे कहा जाता है, ठीक है, नाम दिया गया है। तो इंडियन ओशियन, इट इज द ओनली ओशियन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इट्स शेप इज रफली ट्राइंगुलर, इट इज बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब इसके नॉर्थ में क्या है, दिस इज ईस्ट, राइट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सो नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन इसके नॉर्थ साइड में क्या है, एशिया है, राइट। एंड इंडिया लाइज एट द हेड ऑफ दिस ओशियन, और द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर द टू नॉर्थ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, राइट, ये जहां पे मैंने टिक किया है, राइट, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और इस साइड में क्या है, हियर अरेबियन सी। एक साइड बे ऑफ बंगाल है एंड अनदर साइड इज अरेबियन सी, इसकी एक्सटेंशन है। टू द ईस्ट ऑफ दिस ओशन लाइज द ऑस्ट्रेलिया। अब इसके ईस्ट साइड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। एंड बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया इट इज लिंक्ड विद टू द पैसिफिक थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रीट। अब ये पैसिफिक ओशन से क्या है, कनेक्टेड है, ये पैसिफिक ओशन और ये है बेरिंग स्ट्रीट, इससे क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इज आर्कटिक ओशियन, दिस इज आर्कटिक ओशियन, दिस इज आर्कटिक ओशियन। इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंडेड साउथवर्ड अप टू आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल तक क्या है, एक्सटेंडेड है। देन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, थ्री कॉन्टिनेंट्स दैट बॉर्डर दिस ओशन इन द साउथ। अब इसके साउथ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, राइट, फिर यूरोप है और एशिया है, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स क्या है, इससे कनेक्टेड है। द आर्कटिक ओशन मर्जेस विद अटलांटिक बिटवीन द ग्रीन, सॉरी द आर्कटिक ओशन मर्जेस विद द अटलांटिक ओशियन बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। इट लिंक्स टू द पैसिफिक थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। दिस कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय अ बॉडी
वाटर बॉडी विच इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ पैसिफिक ओशियन द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन नोन एज द साउदर्न ओशियन. अब अगर इन इस ओशियन को सिंस अर्थ इज सर्क्यूलर, अर्थ एक सर्क्यूलर है राइट, सो जब हम इसे ग्लोब पर देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन यहाँ पर भी आएगा राइट, सर्क्यूलर हो जाएगा ये. तो ये क्या है, आर्कटिक ओशियन किससे कंबाइन हो जाएगा, कुछ पार्ट साउदर्न ओशियन का, कुछ अटलांटिक का और कुछ इंडियन ओशियन का. ठीक है, इनसे क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इज इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्यों जरूरी है ये हम पढ़ रहे हैं. This importance of hydrosphere. Hydrosphere is very useful to us in numbers of way. The water cycle is one of the factors that makes life possible on Earth. A water cycle is an important factor है जिसके कारण Earth पे life possible है. Right? क्योंकि rainfall होती है, water vapors है हमारे around, fog है, right? तो इन सारी चीजों के कारण लाइफ पॉसिबल है. द वॉटर इन एयर रिजल्ट इन वेदरिंग फिनोमिना. अब वॉटर के कारण जो हवा में वॉटर वेपर्स प्रेजेंट होती है उसके कारण क्या होता है, वेदर ऑक्योर होते हैं. जैसे सीजन्स होती है राइट, समर विंटर रेनी, तो ये किसके कारण होती है, वॉटर इन द एयर के कारण. ओशंस हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट on the climate of coastal region. अब oceans के कारण जो coastal regions है उनका जो climate है वो moderate रहता है right. The ocean water are home to great variety of marine life which is surround which is a source of livelihood to many people. अब ocean water में बहुत सारी marine life है. marine life मतलब बहुत सारे water animals होते हैं like fish, सी हॉर्स, इनके कारण क्या होती है, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चलती है. लाइवलीहुड मतलब सब लोग अपने इनकम का सोर्स ढूंढते हैं राइट. कुछ लोग उन फिशेस को या उन हाँ उन फिशेस को क्या करते हैं ऐसे कैच करते हैं या पकड़ते हैं और उसके बाद वो क्या करते फिशिंग करते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं, तो वो उस तरीके से अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं. वॉटर सर्व एज अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वॉटर के कारण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजी है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. वॉटर फ्रॉम रिवर एंड लेक एज वेल एज अंडरग्राउंड वॉटर इज यूज फॉर इरीगेशन एंड डेली लाइफ डेली रिक्वायरमेंट. अब जो वॉटर रिवर्स में लेक्स में और जो अंडरग्राउंड वॉटर भी होता है वो भी क्या हेल्प करता है हमें इरिगेशन में और हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है राइट, तो ये उसमें भी काम में आती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज एटमॉस्फेयर. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. Atmosphere क्या है, एक ऐसी air का blanket, मतलब एक ऐसी air जो क्या करती है blanket की तरह earth को surround किए हुए है, उसे हम atmosphere कहते हैं. It is held in its place by earth's gravitational pull. और ये जो air है ये अपनी ही जगह पे constant क्यों है, ये कहीं उड़ती क्यों नहीं है. सो द रीजन इज क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है ना, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण वो क्या है, अपनी ही प्लेस पर फिक्स है. गॉट इट. नाउ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वॉटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स, pollen grains and many impurities like smoke, salt and other chemicals are also present in varying quantities. और बहुत सारी चीजें जो उसमें बहुत सारे chemicals भी इसमें present होते हैं different different quantities में. Nitrogen, I guess ये आपने science में भी पढ़ा है, science में भी ये chapter आपके syllabus में है right? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ोगे
साइंस में ये चैप्टर है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस, अबेंडेंट मतलब सबसे लार्ज क्वांटिटी में जो है होती है, ठीक है। अबेंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग 78% ऑफ इट ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 21% एंड रिमेनिंग वन इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। और बहुत सारी गैसेस होती हैं रिमेनिंग 1% में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। तो ये कुछ इस तरीके से कंपोजिशन है। सबसे ह्यूज पार्ट किसका है? नाइट्रोजन का है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट इज ऑफ ऑक्सीजन एंड थर्ड पार्ट, अनदर वन पार्ट इज ऑफ अनदर गैसेस। नाउ लेयर ऑफ एटमोसफियर, एटमोसफियर की लेयर, द एटमोसफियर एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ऐसा माना जाता है कि अर्थ की जो एटमोसफियरिक लेयर है वो कितनी अबव है अर्थ की सर्फेस से? 1600 किलोमीटर अप टू हियर, ये अर्थ की सर्फेस। और अर्थ की सर्फेस से 1600 किलोमीटर तक क्या है? एयर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर आप जहां खड़े हो उससे अगर आप 1600 किलोमीटर डायरेक्ट ऊपर जाओगे तब तक आपको थोड़ी थोड़ी एयर मिलेगी, उसके बाद देयर इज नो एयर। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब ये 5 लेयर में डिवाइड की गई है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर एंड एग्जोस्फीयर। ये 5 लेयर्स हैं, ठीक है। और द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। अब एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? अर्थ की सरफेस पे। जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? अर्थ की सरफेस पे होगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। As we go upward, the surface air become increasingly thinner. Now, this explains why people feel breathless at high altitudes. अब यही एक रीजन है, जैसे आप माउंटेन एरियाज पे जाते हो, जैसे माउंटेनियरिंग करने जाते हैं जो लोग, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं एयर क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, राइट। सो यही रीजन है कि एयर सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे है। और जैसे जैसे अपवर्ड मूव करते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करते हैं, एयर क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी।